जिला सोलन में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ग के लोगों को मृदा के बारे में जानकारी देने के मकसद से सोलन के चंबाघाट स्थित खुम्ब अनुसंधान निर्देशालय एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में जिला भर के करीब 200 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मृदा कार्ड सहित किसानों को अन्य केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने दी। कार्यक्रम के दौरान किसानों को खेती में कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करने व जैविक खेती को अपनाने के बारे में बताया गया। अधिक जानकारी देते हुए मृदा जांच अधिकारी भानु शर्मा ने बताया कि मृदा दिवस के अवसर पर जिला के किसानों को प्रदेश में मृदा संकट के बारे में प्रत्येक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस मौके पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि जिला सोलन में 80% किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और आने वाले समय में भी सभी के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। हमारे जो सोलन क्षेत्र है यहाँ पे जो है लगभग 54,000 फार्मर फैमिलीज है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से ये लगभग हमने 43,000 फार्मर फैमिलीज को जो है अपने सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और जो शेष रहे हैं उनको भी हम इसको इस बार जो बाकी सीजन बचा उसमें कर देंगे। जो सॉइल हेल्थ और जो कार्ड है हमारा, उसका मेन उद्देश्य बनाने का यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनकी जो जमीन है वो कितनी फर्टाइल है, उसका क्या स्टेटस है और उस स्टेटस के हिसाब से जो है उस जमीन में वो उस खाद की मात्रा का प्रयोग करें, ताकि जो हमारे को जो प्रोडक्शन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखा है प्रोग्राम की 2022 तक डबल होनी चाहिए, उसमें सहयोग कर सके।